गुड मॉर्निंग राधे राधे। हाँ तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कल का क्या है कि जो ये लेक्चर आज मैं देने जा रहा हूँ, जो आज मैं पढ़ाऊँगा आपको वो सारी चीज़ें, वो कल क्या है रिकॉर्ड हो चुकी थी पर किसी टेक्निकल इशू की वजह से क्या है वो अपलोड नहीं हो पाई, तो ये वीडियो आज फिर से मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कण का स्थिति सदिश। अब आपने टेंथ शायद इलेवंथ क्लास से आप पढ़ रहे होंगे कि भाई किसी भी कण है कोई भी, अब उसकी स्थिति को जो अपन उसकी स्थिति दिखाते हैं तो अपने को निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है, और अपन जो स्थिति सदिश होता है उसको आर वेक्टर से व्यक्त करते हैं। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है पहले, और अपन अब उस चीज़ को प्रूफ करते हैं। तो अपना टॉपिक क्या होगा, कण का स्थिति सदिश। कण का स्थिति सदिश, अच्छा तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि स्थिति सदिश क्या होता है। स्थिति सदिश वह सदिश होता है जिसके द्वारा अपन किसी कण की स्थिति को व्यक्त करते हैं या परिभाषित करते हैं, तो वही कण का स्थिति सदिश होता है। और जनरली अपन स्थिति सदिश को है ना जो आर वेक्टर से डिनोट करते हैं, आर वेक्टर से व्यक्त करते हैं। आपने पढ़ा होगा कि आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, वो उसके क्या निर्देशांक होते हैं जो एक्स वाई और जेड एक्सिस में होते हैं। अच्छा, और अपन इन सब जो प्रूफ करेंगे ना, एक तो ये तो हो गई इसकी फिजिकल मीनिंग कि स्थिति सदिश क्या होता है, और अपन इसकी मैथमेटिकली भी इसको अपन प्रूफ कर सकते हैं, तो वो अपन फर्दर आगे करेंगे। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं इसकी डेफिनेशन कि किसी वह सदिश जिसके द्वारा किसी कण की स्थिति को व्यक्त किया जाता है या परिभाषित किया जाता है, वह सदिश जिसके द्वारा किसी कण की स्थिति को व्यक्त किया जाता है या परिभाषित किया जाता है, तो क्या कहलाता है, वह कण का स्थिति सदिश कहलाता है। भाई जो मैंने अभी बात बताई है वही लिखवा रहा हूं मैं यहां पे, डिट्टो वही है, फिजिकल मीनिंग भी यही है कि किसी भी कण की जो पोजीशन है उसकी स्थिति को जो भी डिनोट करेगा। भाई किसी भी चीज़ को डिनोट करने के लिए, जैसे आपका नाम मान लो कि गोलू है, अब गोलू, अब आपका आपको ये आप नाम आपका आपको डिनोट कर रहा है कि गोलू आपका नाम है, तो वैसे ही जैसे यहाँ पोजीशन है तो पोजीशन को डिनोट करने के लिए अपन स्थिति सदिश लेते हैं और इससे आर वेक्टर से व्यक्त करते हैं, व्यक्त किया जाता है वह कण का स्थिति सदिश कहलाता है। अच्छा तो यह कण का स्थिति सदिश हो गया, और अपन जनरली इसे किससे डिनोट करते हैं, आर वेक्टर से। सामान्यतः स्थिति सदिश को आर वेक्टर से व्यक्त किया जाता है, अच्छा तो इसे आर वेक्टर से व्यक्त किया जाता है। और अपन देखते हैं कि हमेशा अपन किसी भी कोई भी कण उसकी स्थिति को डिनोट करने के लिए अपन उसको हमेशा अपने को निर्देशांक की आवश्यकता होती है, जैसे ये निर्देशांक होते हैं एक्स वाई जेड। भाई एक्स एक्स में जो भी, जैसे मान लो मैं आपको बताता हूँ,
यह अपना एक निर्देश तंत्र हो गया, x, y और z। तो जो x अक्ष में जो यहाँ पे मान लो कोई कण है, अब इसके निर्देशांक मान लो 1 और 1 है, ये कण है इसके निर्देशांक 1 और 1 है, 1 और 1 है। तो जो अब कण की पोजीशन को जो व्यक्त करने के लिए अपने को क्या किसकी ज़रूरत पड़ी, निर्देशांकों की। तो वैसे ही हमेशा यही होता है कि किसी भी कण को जो स्थिति को व्यक्त करने के लिए हमेशा क्या है, निर्देशांकों की आवश्यकता होती है। और ये कौन से अक्ष में है, एक्स और वाई एक्स में, यानी एक्स और वाई एक्सिस में ये कण यहाँ स्थित है। तो आगे चलते हैं अपन, पैराग्राफ चेंज करना है इसके बाद। स्थिति को व्यक्त करने के लिए निर्देशांकों की आवश्यकता होती है। दिख तो जाएगा ना, हाँ दिख रहा है। अच्छा, तो जो अपना स्थिति सदिश होता है अपन उसको किससे लिखते हैं, आर वेक्टर से। मैंने दिखा दिया है, व्यक्त किया जाता है स्थिति और सामान्य स्थिति सदिश को आर वेक्टर से डिनोट करते हैं। और जो आर वेक्टर होता है, आर वेक्टर आपने बचपन से पढ़ा है कि क्या होता है कि एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, ये कार्तीय निर्देश तंत्र में होता है। फर्दर अपन आगे चलेंगे वो पोलर कोऑर्डिनेट में पढ़ेंगे, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में पढ़ेंगे, तो गोले निर्देश तंत्र हो गया। तो वो सारी चीज़ें अपने क्या है अभी कोर्स में नहीं है, तो और उन सबको अगर मैं यहाँ बताने लगा तो फिर अपना क्या है कि 2-3 लेक्चर तो उसी में हो जाने हैं। तो अपने को तो क्या है जो फिलहाल अपने सिलेबस में है, कोर्स में है, वो चीज़ अपने को कवर करनी है। तो फर्दर जब आपने आगे आएंगे तो वो चीज़ भी मैं आपको बता दूंगा। तो आर वेक्टर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये अपना पोजीशन वेक्टर हो गया, स्थिति सदिश हो गया। इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब ये तो हो गया अपना फिजिकल मीनिंग, और अपन अब इसका क्या है कि मैथमेटिकल प्रूफ भी करेंगे, या आप वीडियो रोक के पॉज करके फिर देख सकते हो। अब अपन इसका गणितीय विश्लेषण करते हैं, मैथमेटिकल प्रूफ निकालते हैं इसका, क्या कि कैसे आया ये प्रूफ। अब अपन, मैंने अभी क्या बताया था कि किसी भी कण के लिए अपने को निर्देशांकों की आवश्यकता होती है। उन निर्देशांक कहाँ से आते हैं, निर्देश तंत्र से आते हैं। तो अपन क्या करेंगे कि कण के स्थिति सदिश को व्यक्त करने के लिए, जिस सदिश को ज्ञात करने के लिए एक निर्देश तंत्र की कल्पना करते हैं। कण के स्थिति सदिश को ज्ञात करने के लिए एक निर्देश तंत्र की कल्पना करते हैं। और अपन जो निर्देश तंत्र की कल्पना करेंगे उसका अपन ओरिजिन पॉइंट आप सब जानते ही हो कि उसका मूल बिंदु O होता है, और जो उसके निर्देशांक वो एक्स वाई जेड होंगे, क्यों अपन ने बताया था मैंने अभी कि उसको एक्स एक्सिस में निर्देशांक एक्स है, वाई एक्सिस में निर्देशांक वाई, और जेड एक्सिस में निर्देशांक जेड है। अब अपन क्या है कि एक निर्देश तंत्र जो मैंने लिखा है ना, अब इसका क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि एक ये निर्देश तंत्र लिया मैंने,
ये आपका एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया और ये जेड अक्ष हो गया। अच्छा, तो यहाँ से मैंने एक, मेरे को एक क्यूब बनाना है इसमें। तो जो इसका ओरिजिन पॉइंट है, मूल बिंदु है, वो ओ है। ये जेड एक्सिस हो गया, ये एक्स है, ये वाई है। अब यहाँ से अपन इसको मिलाते ही हैं, आपको बहुत अच्छे से जानते हो ये सारी चीज़ें बनाना आप। और यहाँ से क्या है कि मैं इस पॉइंट को, ओरिजिन पॉइंट को इस बिंदु से मिला देता हूँ। तो ये तो अपना ओरिजिन पॉइंट हो गया। और जो अपन जिस कण के लिए स्थिति सदिश निकाल रहे हैं, उस सदिश का, वो उस कण का स्थिति सदिश क्या है? आर वेक्टर है, अपन मान लेते हैं। तो ये मान लो यहाँ पे पी पॉइंट पे एक कण स्थित है, ये पी पॉइंट हो गया जिसका स्थिति सदिश आर वेक्टर है। ये पी पॉइंट हो गया, अपन इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं। तो अब आप देख रहे होंगे कि ये जो ए बी है, ये ओ एक्स एक्सिस, ये जो ओ एक्स है अपना, इसके पैरेलल है। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स। आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि ये ए बी और ये ओ एक्स है, ये पैरेलल है। ये वो अलग बात है कि भाई ये आगे पीछे हैं, बाकी है तो पैरेलल ही ना। वैसे ही अपना जो बी पी है वो ओ वाई एक्सिस की तरफ है, तो उसके पैरेलल है। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी वाई हो जाएगा। और आपको अच्छे से दिख ही रहा होगा कि जो जेड एक्सिस है वो तो इसी के ऊपर ओवरलैप हो रहा है, इसी के ऊपर संपत्ति है। तो ये क्या हो जाएगा? जेड। अच्छा, तो मैंने क्या लिखवा दिया कि एक निर्देश तंत्र की कल्पना करते हैं, अच्छा, जिसका मूल बिंदु ओ है। अच्छा, ये इसका मूल बिंदु हो गया। अब आप एक चीज और देख रहे होंगे कि अगर ये इसका मूल बिंदु है, अब कण कहाँ स्थित है? कण बिंदु पी पे स्थित है, जो मैंने बताया था आपको। बिंदु पी पे स्थित है, जिसके निर्देशांक क्या क्या हैं? अब जो ये कण बिंदु पी पे स्थित है यहां पे, इसके निर्देशांक क्या क्या हो जाएंगे? एक्स वाई और जेड हो जाएंगे। तो यहाँ इसके अपन आगे क्या लिखते हैं? जिसके निर्देशांक एक्स वाई और जेड हैं। अच्छा, तो ये तो हो गई अपनी थ्योरी। अब अपन इसका जो मैथमेटिकल प्रूफ है वो करेंगे। अब मैं डायग्राम तो रहने देता हूँ और ये मैं साफ़ कर रहा हूँ, तो आप देख लेना, जो भी है वीडियो पोज करके लिखना है आपको तो लिख लेना। अब यहाँ तो क्या है, मैं आपको टाइम नहीं दे सकता लिखने के लिए। अच्छा, तो अपन क्या करते हैं कि अब अपन, आपको ये दिख रहा होगा कि त्रिभुज ओ ए और बी, आपको ये त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज ओ यहाँ से स्टार्ट होके और ये है ओ ए बी। तो अपन ये जो त्रिभुज ओ ए बी है, यहाँ पे अपन सदिश त्रिभुज नियम लगाते हैं। अब अपने बचपन में खूब पढ़ा है सदिश त्रिभुज नियम, तो ये सारी चीज़ें क्या है मेरे को बताने की ज़रूरत है नहीं कि सदिश त्रिभुज नियम क्या होता है, कहाँ से आया। तो और ये सारी चीज़ें क्या है, बिल्कुल अंडरस्टूड है, आप बचपन से खूब पढ़ते रहे और ये आपको पता होगा। और नहीं भी पता होगा तो कोई बात नहीं है, मैं आपको यहाँ भी बता ही रहा हूँ, वैसे तो समझ में आ जाएगा आपके। तो अपन क्या करते हैं कि त्रिभुज ओ ए बी में सदिश त्रिभुज नियम से अच्छा, सदिश त्रिभुज नियम क्या होता है कि उसकी जो एक रेखा है वो उसके दो रेखाओं के योग के बराबर होता है। त्रिभुज के भी तीन, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं ये, तो त्रिभुज में मान लो अपन ये ओ बी मान रहे हैं, तो ओ बी ये ए बी और ओ ए के बराबर हो जाएगा, यही सदिश त्रिभुज नियम है और क्या है। तो क्या लिखेंगे अपन? ओ बी वैक्टर बराबर ए बी वैक्टर प्लस
OA वेक्टर। अब आपको दिख रहा होगा कि AB क्या है, AB X है और X तो है और कौन से X में है, X एक्सिस में ही है, तो ये क्या होगा X है और X एक्सिस की तरफ ही है, तो इसको क्या लिखेंगे XI कैप। अब आपने ये भी देखा होगा कि जो X एक्सिस की तरफ होता है उसको I कैप से डिनोट करते हैं, जो Y एक्सिस की तरफ होता है उसको J कैप से डिनोट करते हैं, जो Z एक्सिस की तरफ होता है उसको K कैप से डिनोट करते हैं, यानी व्यक्त करते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, OB बराबर AB क्या हो गया XI कैप, और ओ है OA है वो क्या है जेड डायरेक्शन की तरफ है, जेड दिशा की तरफ है, तो इसको अपन जेड के कैप लिख देंगे, ये जेड के कैप हो गया। अच्छा तो फिर अपन इसको, आप समीकरण नंबर आपने उनने उसको एक दिया था, इसको दो दे दो। अब अपन फिर वापस सदिश त्रिभुज नियम लगाते हैं, और सदिश त्रिभुज नियम किस में लगाएंगे, त्रिभुज OBP में। तो जैसे यहां काम किया ये वाला काम, वैसे इस त्रिभुज में काम करना है, डिट्टो सेम काम है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, बिल्कुल सब समझ में आएगा आपको। त्रिभुज OPB में सदिश त्रिभुज नियम से अच्छा, तो सदिश त्रिभुज नियम यहां क्या लगेगा, OP बराबर OB प्लस BP। भाई जो काम अपन ने यहां किया है वही काम अपन यहां कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, OP वेक्टर बराबर OB प्लस BP। अच्छा तो अब अपन जैसे यहां ये वैल्यू रखे थे, अभी ये BP है, ये किसके पैरेलल है, OY एक्सिस के, तो ये इसको अपन क्या लिख देंगे, YJ कैप। तो OP हाँ, और OP वेक्टर क्या है, OP वेक्टर जो अपन ने बिंदु P पे जो कण है उसका स्थिति सदिश का है, R वेक्टर है, तो ये OP क्या हो जाएगा, R वेक्टर हो जाएगा, R वेक्टर बराबर OB वेक्टर प्लस BP वेक्टर में क्या था, YJ कैप। अच्छा तो अब आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ OB वेक्टर क्या है, OB वेक्टर अपन समीकरण एक में निकाल चुके हैं, तो समीकरण एक से ये समीकरण दो में निकाल चुके हैं, अब समीकरण दो से समीकरण तीन में मान रख देंगे। तो समीकरण दो व तीन से तो अपन यहाँ क्या लिख देंगे, दिख तो रहा है ना नीचे, हाँ दिख रहा है आज तो, R वेक्टर इक्वल टू OB क्या है, XI प्लस ZK कैप, XI कैप प्लस ZK कैप, और ये अपन लिख देंगे यहाँ पे YJ कैप। अब यहाँ लिख लो साइड में, चूंकि OB वेक्टर बराबर XI प्लस ZK कैप, तो अपन इसको क्या लिख देंगे, बिल्कुल उससे क्रम के हिसाब से XI कैप प्लस YJ के प्लस ZK के कैप, इसको समीकरण नंबर चार दे दो, बस यही कण का स्थिति सदिश कहलाता है। तो यहां लिख देता हूं मैं, यह है कण का स्थिति, दिख रहा है आज तो सब अच्छे से, सदिश कहलाता है। अच्छा तो ये छोटी सी कैलकुलेशन थी, अब मैं चाहता तो आपको बिल्कुल एक लाइन में बता सकता था, पर अपने को जो अपना सिलेबस है उस हिसाब से कवर करना है, तो बिल्कुल अपन इसी क्रम में लिखेंगे, इसी जो ये मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखवाया है ना, ये सारे इसी स्टेप में लिखना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लाइन लिखवाने की क्या जरूरत थी जब ये लिखवा दिया था, तो भाई होता क्या है कि जो अपना RU है ना, यहाँ पे बिल्कुल आपको जो मैं ये प्रॉपर वे में लिखवा रहा हूँ इसी वे में लिखना होगा, वरना तो फिर आप अच्छे से जानते हो, आपके जो सीनियर्स हैं उनसे पूछ लेना कि नंबर कैसे कट जाते हैं, सब कह के आते हैं कि यार मैंने तो है ना पूरा अटैम्प्ट किया है पेपर पर, पूरा अटैम्प्ट तो किया है आपने भाई, मैं मानता हूँ आपने पूरा अटैम्प्ट कर लिया होगा, पर आपने जो जो लिखे हैं ना आपके जो आपने जो उसमें नोटबुक में जो आपको वो मिलती है वहाँ जो आप लिख रहे हो ना उसमें बिल्कुल स्टेप छोड़ छोड़ के लिखते हो, तो फिर वो क्या है कि प्रॉपर नंबर नहीं मिल पाते। आप सोचते तो हैं कि यार मैंने तो पूरा पेपर अटैम्प्ट कर लिया पर नंबर मेरे 20 ही आ रहे हैं, वो इसी वजह से आते हैं कि अपन अटैम्प्ट तो पूरा कर लेते हैं और लिखते पूरा वो जो भी अपना क्वेश्चन है उसके बारे में प्रॉपर वे में लिखते नहीं है।
अच्छा तो मैं अब इसको साफ कर देता हूँ, और क्या है, लिख ही लिया होगा आपने ये सारी चीज़ें। अब ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये स्थिर कण के लिए था। और अगर जो ये अपना स्थिति सदिश था r वेक्टर, अगर मैं इसका परिमाण लूँ तो क्या हो जाएगा, ये क्या था अपना स्थिति सदिश, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप, तो इसका मैं परिमाण लूँ तो ये क्या हो जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यार ये सारी चीज़ें क्या है, अपने 12th क्लास में पढ़ रखी है, तो मैं यहाँ क्या है ये सारी चीज़ें नहीं बताऊँगा। ये बिल्कुल क्या है, बेसिक चीज़ें हैं, ये जो परिमाण लेना और ये आपने पढ़ा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहां लिख लेना एक छोटी सी लाइन, परिमाण लेने पर मैग्नीट्यूड। अच्छा तो ये यहाँ पे अपने कंप्लीट हो जाता है, इसको समीकरण नंबर 5 देना चाहो तो दे लेना। अच्छा फर्दर अपन आगे चलते हैं कि ये तो था अपने जो स्थिर कण था, मैंने क्या बताया था कि कण बिंदु P पे स्थित है और वो बिंदु P पे ही था। अब अपन गतिशील कण, वो गतिशील कण के लिए पढ़ेंगे, उसके लिए स्थिति सदिश निकालेंगे। तो अगली हेडिंग क्या होगी, गतिशील कण के लिए स्थिति सदिश। गतिशील कण का स्थिति अच्छा तो मैं आपको बताता हूं कि गतिशील कण की जो अपन स्थिति सदिश निकालते हैं ना, वो भी जैसा अपन ने यहां काम किया है वैसा ही इस वाले जो मैंने अभी पहले वाला टॉपिक बताया जो स्थिर कण के लिए, वैसा ही काम अपने को यहाँ भी करना है। पर इसमें क्या है कि जैसे अभी मैंने बताया था कि उसमें तो जो अपन ने अभी पढ़ा है उसमें तो बिंदु P पे स्थिर था कण। अब क्या है कि बिंदु P से वो, मतलब जैसे मान लो कि कोई भी बिंदु A मान लिया अपन ने, तो बिंदु A से बिंदु B पे आ जाएगा। तो अपने को वहाँ क्या है, जो बिंदु A से B पे आ रहा है ना, तो उसका अपने को स्थिति सदिश निकालना है कि जो कण गति करता हुआ उसका स्थिति सदिश क्या होगा। तो बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है, कोई भी वो नहीं है, तो आप टेंशन मत लो, बिल्कुल है ना इजी है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक, अब सीधी सी बात है कि किसी भी कण के कण के लिए स्थिति सदिश निकालेंगे तो अपने को निर्देशांक की तो आवश्यकता होनी ही होनी है। तो अपन क्या करेंगे कि एक निर्देश तंत्र बनाते हैं, एक निर्देश तंत्र, ये अपना निर्देश तंत्र हो गया। वही मान लो अपन जो अपन करते आ रहे हैं काम, एक्स वाई और जेड। तो अपन क्या देखते हैं यहाँ पे कि जो ये स्थिति सदिश है ना, इसका मूल बिंदु तो O है। अब अपन क्या देखते हैं कि जो प्रारंभिक स्थिति है, यानी प्रारंभिक जो स्थिति है, प्रारंभिक अवस्था है T1 जो टाइम है, अपन यहाँ क्या देखते हैं कि जो कण है ना इनिशियली, यानी प्रारंभिक अवस्था में बिंदु A पे स्थित है। मान लो अपना कोई, अपन कोई भी कण ले लिए तो वो क्या है, शुरू में बिंदु A पे स्थित है यहाँ पे, और जो इसका स्थिति सदिश है बिंदु A पे वो R1 वेक्टर हो जाएगा। अब क्या है कि जो T2 टाइम बाद में, जो यहाँ टाइम है ना वो T1 है, यानी प्रारंभिक समय मान लो इसको, ये T1 है। और जो कुछ समय बाद, यानी T2 टाइम बाद में, या मान लो कुछ समय बाद में, अपन तो एक क्या टाइम तो एक ले रहे हैं, बाकी अपने को एग्जैक्ट टाइम तो पता है नहीं, तो अपन कुछ भी मान सकते हैं उसमें क्या टाइम में। तो ये कुछ समय पश्चात ये कण है ना बिंदु A से बिंदु B पे आ जाता है, यहाँ से ये यहाँ पे आ गया, बिंदु B पे आ गया। अब जो बिंदु B पे जो इसका स्थिति सदिश है कण का, वो R2 वेक्टर हो जाएगा। ये यहाँ से मैंने ये इसको मिला दिया, ये क्या हो गया, R2 वेक्टर हो गया। अच्छा अब आप देख रहे होंगे कि जो A और B है, इनके जो बीच का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, वो R12 हो जाएगा। ये R12 हो गया, और जो यहाँ पे टाइम है वो T2 हो गया। और अपन क्या करते हैं,
अपन जब इनका टाइम का वो देखते हैं, अगर अपन टाइम में चेंज लेंगे, स्मॉल चेंज लेंगे यानी छोटा सा अगर अपन परिवर्तन करते हैं टाइम में, तो वो क्या क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बराबर टी टू माइनस टी वन हो जाएगा। अच्छा, तो मैंने डायग्राम समझा ही दिया है, जो जो मैंने सारी बातें बताई है वैसे वैसे मैं लिखवा देता हूँ कि माना एक निर्देश तंत्र है जिसका मूल बिंदु कहाँ है, मूल बिंदु ओ है, अच्छा। तो फिर मैंने फर्दर आगे क्या बताया था कि जो कण है उसकी प्रारंभिक अवस्था में वह बिंदु ए पर स्थित है, कण प्रारंभिक अवस्था में बिंदु ए पर स्थित है, अच्छा। तो जो बिंदु ए पे स्थित है तो इसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, आर वन वेक्टर हो जाएगा। जिसका स्थिति सदिश आर वन वेक्टर है। अच्छा, तो अब अपन क्या देखते हैं कि जब आर वन वेक्टर यहाँ इसका स्थिति सदिश हो गया, अब अपन कुछ समय पश्चात की बात करते हैं यानी डेल्टा टी समय। भाई अपन स्मॉल चेंज ही तो ले रहे हैं, तो डेल्टा टी समय बाद कण कहाँ पहुँच जाता है, बिंदु बी पे पहुँच जाता है और इसका स्थिति सदिश है आर टू वेक्टर है। तो यही बात अपने को यहाँ लिखनी है कि डेल्टा टी समय पश्चात कण बिंदु बी पर पहुंच जाता है। तो इस समय जो इसका स्थिति सदिश क्या होगा, वो आर टू वेक्टर हो जाएगा जिसका स्थिति सदिश आर टू वेक्टर है। अब देखो, ये जो मैंने डायग्राम में बताया है ना, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने लिखवा दी है, और मैं यही देखता हूँ कि जो सबसे सिंपलेस्ट लैंग्वेज है, जो सबसे इजी रहे पढ़ने में और याद होने में, तो मैंने वही चीज़ें लिखवाई है। ऐसा मैंने कोई इसमें ऐसा कोई ऐसा वर्ड यूज करे नहीं है कि जो आपको पढ़ने में प्रॉब्लम हो, और सीधी से बात यार इससे सिंपलेस्ट लैंग्वेज आपको मिल भी नहीं पाएगी। देखो सही बात बताऊँ मैं, रियलिटी तो यह है, क्यों अगर मैं बुक से छपवा दूंगा ना तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आना, आप सीधी है बस ये पढ़ते रहना फिर इनको, क्योंकि याद ही नहीं होंगे शुरू से लेकर एंड तक। अब वो अलग बात है कि कोई रटने में माहिर हो तो फिर रट लो, तो फिर ऐसे ही बुकें पढ़िए खूब, वहीं से रट लो, कर लो काम अपना, तो फिर हमारी क्या ज़रूरत है। तो ये आपका हो गया, और अपन ने जो टी वन है और वो टी टू है वो क्या है, प्रारंभिक और अंतिम समय। तो अपन ये भी लिख देते हैं यहाँ पे कि प्रारंभिक समय टी वन है तथा अंतिम समय टी टू है। प्रारंभिक समय टी वन है तथा अंतिम समय टी टू है। अच्छा, अब अपन ने ये तो क्या है, जो उसकी फिजिकल मीनिंग्स थी और जो डायग्राम के बारे में, वो मैंने सारा जो इनका भौतिक अर्थ है वो मैंने बता दिया है। और अब अपन इसका क्या है कि सीधी सी बात है, मैंने तो कह दिया, आप तुम कैसे मान लोगे कि सर यही होगा, तो अपन इसका क्या निकालते हैं, अपन इसका मैथमेटिकल प्रूफ करते हैं। तो फर्दर आगे चलते हैं, अब मैथमेटिकल, अब फिजिक्स का यही है कि अगर कोई भी कोई चीज़ बता देता है ना एक बार, तो उसका मैथमेटिकल प्रूफ भी होता ही है। बस फिजिक्स का यही सबसे अच्छा मेरे को लगता है कि इसमें कोई भी है ना अपवाद, तो ये मान लो कि बहुत ही गिने चुने हैं, कि नाम मात्र के अपवाद होंगे,
आपने देखा होगा और सब्जेक्ट्स में तो बस कुछ भी आ जाए, हाँ ये इसका अपवाद हो जाता है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, हर चीज़ का प्रूफ है। तभी तो यार फिजिक्स नेचर को एक्सप्लेन करती है। क्या लिखेंगे, प्रूफ लिख लो। अब जो काम अपन ने पहले किया था वही काम यहां करेंगे। तो त्रिभुज ओ ए बी में सदिश त्रिभुज नियम से, त्रिभुज ओ ए बी में सदिश त्रिभुज नियम से। अच्छा सदिश त्रिभुज नियम क्या होगा, आप देख रहे होंगे अपन यहाँ क्या करेंगे कि OB वेक्टर बराबर OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर हो जाएगा। भाई सेम काम ही अपन ने वहाँ किया था तो सेम काम ही यहाँ कर लेंगे अपन। भाई सदिश त्रिभुज नियम ही तो लगाना है, डिट्टो काम है, इसमें कोई अलग से कोई है वो काम तो है नहीं जो अपने को आए नहीं। तो यहाँ क्या करेंगे, OB वेक्टर बराबर OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि जो OB वेक्टर है वो क्या है, R2 वेक्टर है, OA वेक्टर है वो R1 वेक्टर है, और जो AB है, AB जो अपन जो प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक पहुंचता है यानी कर्ण बिंदु A से बिंदु B तक पहुंचता है, वहां क्या है R12 वेक्टर है। तो लिख देंगे अपन जैसा है यहाँ पे वैसा, R2 वेक्टर बराबर R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर। अब अपन को देखना क्या है, अपने को तो यही चीज़ देखनी है कि कर्ण जो बिंदु A से B के बीच में जा रहा है उसका स्थिति सदिश क्या होगा। तो अपन क्या करेंगे, अपने को तो जो ये A से B के बीच का है जो इसका स्थिति सदिश ये जो R12 वेक्टर है, अपने को तो वो चीज़ निकालनी है। मेन काम अपना, मेन टास्क है वो यही है। तो अपन क्या करेंगे, R12 वेक्टर बराबर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, यही गतिशील कण का स्थिति सदिश कहलाता है। इसको समीकरण एक दे दिए तो अपन यहां क्या लिखेंगे, समीकरण एक गतिशील कण का स्थिति सदिश कहलाता है। अच्छा तो यहाँ तक लिख लो आप, और लिख क्या लो आप तो जानते ही हो कि रिकॉर्डेड वीडियो है तो आप पॉज करके भी लिख सकते हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो मैं ये साफ कर देता हूँ। अच्छा अब आपको एक चीज़ पता होगी कि ये चीज़ मैं रख लेता हूँ, ये काम आ जाएगी अपने, कि अपने को किसी भी चीज़ की स्थिति पता चल गई। अब आपने देखा होगा कि अगर किसी भी चीज़ की स्थिति पता चल गई तो फर्दर अपन आगे उससे उसका वेग निकाल सकते हैं, त्वरण निकाल सकते हैं, संवेग निकाल सकते हैं, उस पर बल कितना है वो निकाल सकते हैं। तो फर्दर अपने को जो भी चीज़ रिक्वायरमेंट होती है अपन वो किसी भी कण की स्थिति के बाद अपन वो सारी चीज़ें अपन निकाल लेते हैं। भाई मेन टास्क क्या होता है, अपने को किसी चीज़ की बस एक बार पोजिशन पता चल जाए, कि किसी भी चीज़ की बस एक बार अपने को उसकी स्थिति पता चल जाए, उसके बाद अपन फर्दर जो भी अपने को जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है अपन वो सारी चीज़ें निकाल लेते हैं। तो फिर अपन आगे चलते हैं, तो अपन क्या निकालते हैं, वेग। अब आपने वेग खूब पढ़ा होगा, खूब ही पढ़ा है मैंने, मेरे को पता है कि जब 12th में पढ़ते हो ना तो इतनी बार आप कोर्स रिवाइज कर लेते हो कि आपको है ना जो सारी की सारी चीज़ें यूं अंगुलियों पे याद हो जाती है, जो इतना तगड़ा रट्टाफिकेशन होता है वहाँ पे। समझते भी ऐसी बात नहीं है, मैं उस चीज़ को लेके वो नहीं कर रहा, बाकी जो मोस्टली होता है ना काम यही होता है कि अपन 12th में है ना रट्टा ही लगाते हैं। जो रियलिटी है वो मैं बता रहा हूँ, तो इसमें कोई नाराज होने वाली बात है नहीं, भाई जो रियलिटी है वही बता रहा हूँ मैं। तो अपन क्या करते हैं, वेग। अब वेग क्या होता है, समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन या विस्थापन में परिवर्तन की दर, एक ही बात है स्थिति और विस्थापन, तो यही अपना वेग कहलाता है। तो ये मैं साइड में लिख लेता हूँ,
आर वन टू वैक्टर बराबर आर टू माइनस आर वन वैक्टर। ये तो रफ काम है, अब ये मत लिखना, ये तो क्या है, मैंने फिर वापस मेरे को वही चीज़ अभी प्रूफ करना पड़ता है, अगर मेरे को जहाँ आगे इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो अपन देख लेंगे ये। तो वेग क्या होता है, समय के सापेक्ष विस्थापन में परिवर्तन की दर। वेग कहलाता है। अब देखो ये छोटे बच्चे वाले को लाइनें भी लिखवानी पड़ रही है मेरे को। अच्छा तो वेग को अपन किससे डिनोट करते हैं, जनरली वी से डिनोट करते हैं। वेग को वी से व्यक्त करते हैं। और आपने पढ़ा होगा कि वेग जो होता है ना वो सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेग एक सदिश राशि होती है। अच्छा तो फर्दर अब ये तो क्या है, इसकी जो वेग है ये तो आपने पढ़ा हुआ भी है, हालांकि लिख लो, अपने कोर्स में है तो लिखना पड़ेगा। अब मैं इसका थोड़ा सा बता देता हूँ कि वेग को कैसे डिनोट करते हैं, और ये कि जो इसका मैथमेटिकल प्रूफ है, फॉर्मूला है, वो अपन क्या लिखते हैं। v बराबर dr वेक्टर अपॉन dt। अच्छा r वेक्टर क्या है, अपना पोजीशन वेक्टर है r, तो जो अपना स्थिति सदिश है वो r है। तो वेग क्या होता है, स्थिति में परिवर्तन की दर या विस्थापन में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष। तो एक बार जो डेरिवेटिव हो जाता है वो वेग कहलाता है। अगर अपन का पोजीशन का ही अगर अपन दो बार डेरिवेटिव कर देते हैं तो वो उसका त्वरण हो जाता है। तो यही है बात, और क्या है। तो अपना आर क्या है, अब मैंने क्या बताया था, हाँ चलो एक चीज़ और देखो, इसमें जो ये डी है ना, ये जो इसका डेरिवेटिव हो रहा है, इसका अवकलन हो रहा है, ये इसमें स्मॉल चेंज को दिखाता है, यानी बहुत ही मतलब छोटा परिवर्तन होता है ना उसको व्यक्त करता है ये डेल। अवकलन का मतलब भी यही होता है, स्मॉल चेंज होता है, ऐसा फिजिकल मीनिंग होती है ना अवकलन की, वो चेंज ही होता है। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, अपन इसको डेल आर अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हैं। अच्छा तो जो डेल आर है वो अपना क्या है, आर वन टू है, जो अपना इसमें ए से बी तक जा रहा है, जो अपन ने ये लिखा है ना आर वन टू आर टू माइनस आर वन है। तो अपन यहाँ क्या लिख देंगे, आर वन टू अपॉन डेल्टा टी। तो अब आर वन टू क्या है, अब जो अपन ने जो अभी स्टफ निकाला था, जो अपन ने जो अभी काम किया था सदिश त्रिभुज नियम से, ये चीज यहाँ पे रख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, v बराबर आर टू वैक्टर माइनस आर वन वैक्टर अपॉन टी टू माइनस टी वन वैक्टर। ये एक क्या है, वेग की फॉर्म आ गई, चेंजिंग फॉर्म है ये वेग की, परिवर्तन वाला फॉर्म है ये। वैसे अपन जनरली लिखते हैं ना तो डी वी अपॉन डी टी लिखते हैं, ये तो क्या है, एक परिवर्तन वाली वो है फॉर्म, ये जो इसमें स्मॉल चेंज हो रहा है ना वो वाली फॉर्म है ये। तो ये लिख लिया होगा आपने, मैं इसको साफ कर देता हूँ। अब अपन फर्दर आगे क्या देखते हैं, त्वरण। तो त्वरण क्या होता है, ये भी आपने खूब बार पढ़ा है, त्वरण होता है वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर, यही होता है त्वरण भी। तो अपन क्या लिखेंगे, या तो वेग में कर लो या फिर स्थिति में दो बार डेरिवेटिव कर लो, एक ही बात है। अगर स्थिति का एक बार करते हैं तो वेग आ जाता है, वेग का एक बार और करते हैं तो त्वरण आ जाता है। तो वही बात है, अगर स्थिति का अगर अपन दो बार डेरिवेटिव कर लेते हैं तो वेग आ जाता है अपना। तो सॉरी यहाँ त्वरण लिखो, वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर।
त्वरण कहलाता है। अच्छा, अब त्वरण को आप देखेंगे किससे डिनोट करते हैं, ए वेक्टर से। त्वरण को ए वेक्टर से डिनोट करते हैं, वो जनरली कभी कभी क्या है इसे एफ वेक्टर से भी डिनोट कर देते हैं, पर जो अपन यूज करेंगे ना वो हमेशा ए वेक्टर ही यूज करेंगे। तो यहां क्या लिखेंगे कि इसे ए वेक्टर या एफ वेक्टर से भी व्यक्त करते हैं। ये चीज लिख लो, लिखना चाहो तो। अपन जनरली है ना ए वेक्टर से ही डिनोट करते हैं, पर कई बार है ना कई बुकों में, हालांकि मेरे को पता है कि आप तो जो ये बुकें लाए हो ना ये खरीदोगे या खरीद ली जिसने, वो बुकें लास्ट तक पड़ी रहेगी और जो जैसे खरीदे थे ना वैसे की वैसे वहां दिया ना जाके, कोई भी नहीं पड़ेगा। जो सारा बुक का कंक्लूजन है ना वो तो मैं आपको यहाँ छपवा ही रहा हूँ, सारी बातें बता रहा हूँ मैं लिखाने के लिए। तो और फिर भी किसी को जो सेल्फ सेटिस्फिकेशन चाहिए तो बुकें खरीद लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से उसको एक दो दिन पढ़ना, फिर जब कुछ समझ में नहीं आए तो फिर यहाँ आ जाना, ये वीएल जो अपने लेक्चर है ना ये देख लेना, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी आपको। अच्छा, तो मैंने क्या लिखवा दिया कि इसे ए वेक्टर से या एफ वेक्टर से व्यक्त किया जाता है, यह व्यक्त करते हैं। और वेग क्या होती है, वो त्वरण क्या होता है, त्वरण भी एक सदिश राशि होती है। त्वरण एक सदिश राशि होती है। अच्छा, अब त्वरण को अपन कैसे लिखते हैं, ए वेक्टर बराबर डीवी अपॉन डीटी लिख लो या तो आप। अच्छा, और अगर डीवी अपॉन डीटी नहीं लिखना चाहते हो तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, भाई वेग में परिवर्तन की दर हो गई, या स्थिति में दो बार अपन डेरिवेटिव कर लेंगे, स्थिति में एक बार परिवर्तन वेग हो गया, एक बार और परिवर्तन कर देते हैं तो त्वरण हो जाता है। तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर, यह अपना त्वरण हो गया। तो ये तो अपने बेसिक चीजें थी जो आपने बचपन में खूब पढ़ी हुई है, पर अपने सिलेबस में अपने कोर्स में है, तो ये सारी चीजें मैंने बता दी आपको, ये लिख लो। अब फर्दर अपन आगे क्या करते हैं, निर्देशांक रूपांतरण समीकरण पढ़ते हैं। अब अपन ने जैसे ये काम किया है ना, ये वेग निकाला है, वैसे ही अपन आगे काम करेंगे, वही सदिश त्रिभुज नियम वहां लगेगा। अपन आगे क्या करेंगे, मैं आपको आइडिया दे देता हूँ एक बार, कि अपन कोई भी एक निर्देश तंत्र लिए, अब उस निर्देश तंत्र में अपन उसकी पोजिशन का पता लगा लेंगे एक बार, उसका उसका पोजिशन है वो उसका पोजिशन अपन ज्ञात कर लेंगे, और पोजीशन ज्ञात करने के बाद अपन जैसे ये वेग निकाल रहे हैं, त्वरण निकाल रहे हैं, उसका संवेग निकाल लेंगे, उस पर कितना बल है वो निकाल लेंगे। तो ये सारी चीज़ें फर्दर क्या है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप अपन चलेंगे। अच्छा, तो एक छोटी सी डेफिनेशन है वो मैं लिखवा देता हूँ आपको। अच्छा, क्या लिखो, रूपांतरण समीकरण, और किसका रूपांतरण कर रहे हैं अपन, जो निर्देशांक है ना उनके रूपांतरण समीकरण ज्ञात करेंगे। तो क्या लिखेंगे, निर्देशांक रूपांतरण समीकरण। अच्छा, तो फर्दर अब मैं आपको बता देता हूं, अब आपके मन में ये चल रही होगी यार कि रूपांतरण क्या होता है।
तो रूपांतरण वो होता है कि जैसे मान लो कि कोई अपन एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिए, एक निर्देश तंत्र लिया अपन ने, अब अपन को क्या है कि मान लो कि एक एस निर्देश तंत्र है मान लो ये, अब अपने को क्या है कि जो ये एस निर्देश तंत्र है अपने को इसमें इस कण की पोजीशन का बारे में पता है मान लो, या अपने को इसके निर्देशांक पता है, सीधी से बात है पोजीशन पता होगी तो अपने को निर्देशांक भी पता ही होंगे, क्यों जो अब ये मान लो इसकी पोजीशन है तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, जैसे मान लो ये एक्स हो गया ये वाई हो गया, तो यहाँ मान लो ये जीरो ये वन और टू पे है, तो ये जो वन है ये तो एक्स एक्स वाली पोजीशन है और जो ये टू है ये वाई एक्स वाली पोजीशन है, ये आपने खूब बचपन में पढ़ा हुआ है। तो अपन क्या देखेंगे कि जैसे मान लो कि इस निर्देश तंत्र में अपने को इसके निर्देशांक पता है और जो यही कण है ना इसके दूसरे जो अपन एक निर्देश तंत्र और ले लेते हैं, अब जो ये कण है इसी कण के इस निर्देश तंत्र में भी अपने को इसके निर्देशांक पता है, तो जो इन दोनों निर्देशांक है ना इनके बीच में जो संबंध व्यक्त किया जाता है ना यही रूपांतरण समीकरण कहलाता है। जो इनके बीच में जो समीकरण अपन व्यक्त करेंगे, जो इनके मध्य जो संबंध व्यक्त करेंगे ना, जो अपने को जिस समीकरण के द्वारा व्यक्त करेंगे वही निर्देशांक रूपांतरण समीकरण कहलाता है। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि जैसे मान लो कि आपने एक कण लिया, अब ये एस निर्देश तंत्र है मान लो, अब आप इसमें क्या है कि जो एस निर्देश तंत्र है इसमें किसी कण के अपने को निर्देशांक पता है, अब एस निर्देश तंत्र में तो पता चल गया, अब एक निर्देश तंत्र अपन एस डैश और मान लेते हैं, तो जो ये कण है ना इसके निर्देशांक भी अपने को एस डैश में पता है। अब ये कण हो गया, अब कण के दोनों निर्देश तंत्र में अपने को निर्देशांक पता चल गए, अब इन जो दोनों निर्देश तंत्र के मध्य अपन संबंध व्यक्त करने के लिए जो समीकरण निकालेंगे ना वही निर्देशांक समीकरण कहलाते हैं। तो अपन कहां से स्टार्ट करेंगे, यदि किसी कण के निर्देशांक एक निर्देश तंत्र में ज्ञात हो, तो मैंने क्या बताया था कि एक निर्देश तंत्र में तो ज्ञात हो गए और इसी कण के दूसरे निर्देश तंत्र में भी ज्ञात हो, और उसी कण के निर्देशांक दूसरे निर्देश तंत्र में ज्ञात हो, अच्छा तो फर्दर मैंने क्या बताया था कि जब कण के दोनों निर्देश तंत्र में अपने को निर्देशांक पता चल गए तो इन जो दोनों निर्देश तंत्र है ना इन दोनों के मध्य जो संबंध व्यक्त करने वाला समीकरण होता है ना यही निर्देशांक रूपांतरण समीकरण कहलाता है। तो क्या लिखवा दिया मैंने कि किसी कण के एक निर्देशांक वो किसी कण के निर्देशांक एक निर्देश तंत्र में ज्ञात हो और उसी कण के निर्देशांक दूसरे निर्देश तंत्र में ज्ञात हो, तो इन निर्देश तंत्रों के मध्य संबंध व्यक्त करने वाला समीकरण निर्देशांक रूपांतरण समीकरण कहलाता है। यह अपना निर्देशांक रूपांतरण समीकरण हो गया। अच्छा फर्दर अब अपन क्या पढ़ेंगे
कि अब जो ये निर्देशांक रूपांतरण समीकरण तो अपने को पता चल ही गया, अब अपन क्या करेंगे कि एक तो स्थानांतरित गति के लिए, कि मान लो अपन ने एक है ना निश्चित दूरी तय कर ली, एक जैसे दो निर्देशांक हो गए, मान लो एक निर्देशांक ये हो गया और एक निर्देशांक ये हो गया, तो अपन इनके दोनों के बीच में मान लो एक दूरी हो गई आर नोट हो गई मान लो, जो अब अपने को नियत दूरी के लिए कर देंगे एक तो, एक गतिशील के लिए करेंगे, फर्दर अपन झुके हुए निर्देश तंत्रों के लिए ये रूपांतरण समीकरण निकालेंगे, तो ये सारी चीज़ें करेंगे अपन अगले लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।